अब हम वकील के ऑफिस से जाए इसका किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए, सिकंदर को भी नहीं। ठीक है मॉम। तुम लोग फ्रेश होके आओ, मैं देखती हूँ सिकंदर क्या कर रहे हैं। मैडम वो मिसेस जहां आ रही हैं, काफी देर से ड्राइंग रूम में आपका वेट कर रही हैं। क्या तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से मैं उनका इंतजार कर रही हूं, मुझे अब बता रहे हो? हद हो गई है। मैडम बाहर आइए, जल्दी कीजिए, लाइए चाबी दीजिए। रोशनी मैडम आ गई है, आप जाइए यहाँ से। क्या आज जो कुछ स्टोर रूम में मैंने देखा वो सब मॉम जानती हैं? क्या मॉम को मालूम है कि पापा की पहली मम्मी रोशनी आंटी से हुई थी? ये किस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? आंटी मॉम से नफरत कर गई और मॉम वो बेचारी तो पूरी जिंदगी इन लोगों के नाम कर चुकी हैं। मुझे आज ही मॉम को रोशनी आंटी के बारे में सब बताना होगा। मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मॉम मुझे आपको सॉरी कहना था। आई नो कि शायान ने आपको खाना खाते हुए बहुत डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा शायान को अपने हाथ से खाना खिला के। बहुत सालों के बाद ऐसा लगा कि हम अपने आबान को अपने हाथ से खाना खिला रहे। भाभी भाई साहब के जाने के बाद आप इतना बिजी हो गई बिजनेस में और अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कि आपके पास टाइम कहाँ था आबान को खाना खिलाने का? जब ही तो रोशनी, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अब अपनी हर ख्वाहिश शायान पर पूरी करें, वो भी तो हमारे आबान जैसे ही हैं। भाभी आपने भी तो अपनी सारी खुशियां कुर्बान की हैं आबान की खातिर। अब अगर ऑफिस की मसरूफियत की वजह से आप उसे टाइम नहीं दे पाए तो ये भी तो आबान की खुशियों की तकमील की खातिर। हमें लगता है कि दुनिया में आपसे ज्यादा आबान से कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ माँ होती है। थैंक्स सिकंदर, बस ये बात आप हमारे आबान को भी समझा दीजिए। अरे भाभी रहने दें, ये समझाएंगे? इनके तो दिमाग में तो सिर्फ शेर और शायरी रहती है, ये समझाने लगे आबान को। रोशनी देखें भाभी देखें, फिर गोलाबारी शुरू हो गई और आप ही हमें बचा सकती हैं इनसे। रोशनी आज सारी जिंदगी गुजार दी आपने सिकंदर के साथ, ऐसे लगता है कि आप उनकी बीवी कम और टीचर ज्यादा है। आपको नहीं पता वो ऐसे ही हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। इनको बताएं कि हम अमान भाई के कितने लाडले थे, कितना प्यार करते थे वो हमसे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सिकंदर आप, अमान ने आपको अपने बेटों की तरह प्यार किया। भाभी आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने भी हमेशा हमें माँ बनकर पाला। अरे कहाँ सिकंदर, कुछ नहीं किया हमने। तो सिकंदर अंकल इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे एक चचा नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देखा भाभी कितना शैतान हो गया ये। चले आप लोग बातें करें, मैं जरा निम्मो को देख लूं, मुझे लगता है शयान को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई है। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अबान तो बिल्कुल शायान का बचपन है। शायान बिल्कुल हमारे अबान जैसे हैं।
हम जानते हैं निम्रा कि हमने अनजाने में आबान का बहुत दिल दुखाया है। बचपन में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हमने अपनी दुनिया ही अलग कर ली, और अबान अमान के साथ साथ हमें भी मस करने लगे। एहसास है हमें, लेकिन अमान की अचानक डेथ के बाद सब कुछ हमें ही संभालना था, और हमने इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में दिन रात बहुत मेहनत की। बस इसी में हम अबान को टाइम नहीं दे पाए, और आहिस्ता आहिस्ता अबान हमसे दूर होते रहे। मॉम, आप प्लीज ऐसा मत सोचें। जो वक्त गुजर गया है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, माजी को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसको हम अपनी तमन्नाओं और आरज़ुओं के मुताबिक जी सकते हैं। आप बहुत अच्छी हैं निम्रा, आपसे बेहतर लड़की हमारे अबान को मिल ही नहीं सकती थी। हमारे अबान को संभालने और उनकी लाइफ को मुकम्मल करने के लिए बहुत शुक्रिया बेटा। अबान ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल किया है, मेरे बिखरे हुए वजूद को समेटा है। आप सबने मुझे इतनी इज्जत दी है, बहुत शुक्रिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनुरा। अब हमें इस बात का यकीन है कि हमारे अबान को आप हमारे बाद बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, उनकी खुशी का, उनकी हर चीज का बहुत ख्याल रखेंगे। ऐसी बातें ना किया कर। अच्छा चले एल्बम देखते हैं, मैं भी तो देखूं इनकी शैतानी। तुम ये इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या अबान ने कमरे से निकाल दिया? अबान मुझे कमरे से क्यों निकालने लगा आंटी? ये मेरा घर है, मेरा जब दिल करेगा, जहां दिल करेगा, जो मर्जी करूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारा ही तो घर है, जो जी चाहे करो, जहां जी चाहे बैठो। क्योंकि ये गलत फहमी अभी कुछ दिनों में ही दूर होने वाली है। So ये गलत फहमी आपकी भी तो हो सकती है कि मैं इस घर से कहीं जाऊंगी। रोशनी गलत फहमी नहीं पालती है, रोशनी पर बात करती है, और रोशनी से टकराने वाले मौत के लिए तरसते हैं, और मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। आंटी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और आपको एक बात बताऊं, निम्मो को मौत से डर नहीं लगता। और आप जानती हैं जिन लोगों को मौत से डर नहीं लगता ना, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं तो बस यूं ही बता रही थी आपको। चले मैं चलती हूँ, गुड नाइट। जी जी हम पहुंच जाएंगे, अपनी तैयारी मुकम्मल रखेगा। जायान आप कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। वो हमारी साइट थी ना जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां एक्चुअली वहीं पे पार्टी भी आ रही है, और हम सारी चीजें डिस्कस भी कर लेंगे और डिटेल में बात भी हो जाएगी। अरे जायान कैसी बातें कर रहे हो, मत करने देना। अरे जो करना वो खुद जाके करो ना, भाभी आज छुट्टी पे। अरे नहीं रोशनी, जायान बहुत मेहनत करते हैं, और ये सब उनकी कोशिशों का नतीजा ही तो है कि आज हमारी कंपनी इस मकाम पर है।
बेटा आपने उनसे तमाम चीजें फाइनल कर ली हैं? ये क्या बात हुई? आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आज आप सारा दिन हमारे साथ गुजारेंगी। भाभी एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, वो तुम्हारी तरह फारिग नहीं बैठी कि सुबह को पौधों को पानी देना, रात को बिल्लियों को दूध देना, फजूल वाले जो काम होते। अगर उनको जाना होगा ना जरूरी काम से तो वो जाएंगी। रोशनी ये बात आराम से भी तो की जा सकती है, बच्चों से प्यार से बात करते हैं। निम्रा आप परेशान मत हो, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। मॉम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी बस हम निकल रहे हैं। ओके ओके खुदा हाफिज। गेटिंग लेट। अरे आप लोग क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई बात करनी थी? मॉम वो हम रोशनी आंटी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। आई नो बेटा, मुझे पता है कि रोशनी का बिहेवियर आपके साथ कुछ दिनों से कुछ खराब सा है। हम तफसील से आके रोशनी से बात करेंगे। यू जस्ट डोंट वरी। मॉम आपको कुछ याद है? आपने आज प्रॉमिस किया था कि आज आप सारा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगी और अब आप जा रही हैं। आई नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। हम नहीं जाते लेकिन बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। आई विल बी बैक विद इन एन आवर। और फिर हम लोग कैरम खेलेंगे और मैं जीतूंगी। मॉम मीटिंग्स तो होती रहती हैं, अगर आप आज का दिन हमारे साथ स्पेंड करती तो बहुत मजा आता। नहीं क्या निम्रा, आप भी अबान के साथ मिलकर हमसे नाराज हो रही हैं। मॉम मैं हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं, आप हमारी माँ हैं। लेकिन अगर आप रुक जाती तो। मॉम आप हमेशा यूं ही करती हैं, अबान नहीं बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मुझे एक बात बताएं, अबान आपकी लाइफ में है कहाँ? ऐसा नहीं कहते बेटा, आप गलत सोच रहे हैं। आप ही तो हैं हमारे सब कुछ, हमारी जिंदगी, और ये सब कुछ हम आप ही के लिए तो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप यकीनन एक दिन ये बात जरूर सोचेंगे कि आपकी मॉम गलत नहीं थी। अबान आपकी मॉम आपसे बहुत प्यार करती है। मॉम आप यूं मत कहें, अबान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलें आप जल्दी से रेडी होके मीटिंग के लिए जाएं, फिर हम लोग शाम को कैरम खेलेंगे। हाँ तो आप लोग हमें जाने देंगे तो हम जाएंगे ना, और फिर तभी तो जल्दी वापस आएंगे। मॉम I'm sorry. I know कि मैं आपको बहुत तंग करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। आई प्रोमिस कि मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। प्लीज अबान ऐसा नहीं कहते बेटा, मॉम कभी आपसे तंग नहीं हुई, और हमें तो अपने नाराज अबान को मनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आप ही तो हमारी दौलत है। बस कभी अपनी मॉम को गलत मत समझिएगा। यू आर द बेस्ट सन इन दिस होल वर्ल्ड, हमारे अबान जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आई लव यू। अरे अबान क्या इमोशनल कर दिया आपने मॉम को, वो मीटिंग के लिए जा रही है, जाएंगी तो जल्दी से वापस आएंगी ना। मॉम आपको देर हो रही होगी, आप जाइए, वरना नाराज अबान को फिर से मनाना पड़ेगा। Thank you.
हम लेट हो चुके हैं, प्लीज अब चले वरना पार्टी नाराज हो जाएगी। ऑफ कोर्स बेटा। रोशनी, वो फैशन शो में जाने के लिए आपने जो डायमंड का सेट हमारा मांगा था ना, वो हमने निकाल के कबर्ड में रख दिया है, आप कबर्ड से निकाल लीजिएगा। अरे भाभी, फैशन शो में जाने के लिए तो अभी 2-3 घंटे हैं, लेकिन आप मेरा इतना ख्याल करती हैं, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और हाँ आबान, आप हारने के लिए तैयार रहिएगा, आज हम आपके साथ आकर गेम खेलेंगे। अरे मेरी प्यारी मॉम, आपकी जीत से ना अबान खुश होता है, आप जीत जाइएगा। चले सायन। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। निमो, मैं शयान के पास जा रहा हूँ, तो मेरी चाय ऊपर ले आना प्लीज। वैसे जयान, अगर ये डील हो जाती है ना तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपने उन्हें हमारी डिमांड तो बता दी है ना? आई वॉन्ट दिस प्रॉपर्टी एट एनी कॉस्ट। यस बड़ी मॉम, सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, बस आप चल के लोकेशन को देखें, फिर हम डील टर्न कर देंगे। ग्रेट। ये लोग कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक? मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। आप ये तो बताएं कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद आया, लेकिन आई थिंक इन लोगों को यहाँ पर होना चाहिए था। बड़ी मॉम, आप फिक्र क्यों करती हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप देखेगा आज ही मीटिंग आपकी सबसे अच्छी होगी। We'll be right back.
कैसी है भाभी आप? भाभी रोशनी, आप लोग यहाँ? जाए, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाभी, ये तो सरप्राइज है आपके लिए भाभी। क्यों, बुरा लगा आपको? ठहरिए, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे डरा दिया। और ये आपने हुलिया क्यों बनाया हुआ है? और आप सब यहाँ क्यों हैं? मीटिंग तो हमारी और जायान की थी ना? अरे भाभी, समझ आ जाएगा ना आपको सब। इतनी भी क्या जल्दी है? ये किस तरह का सरप्राइज है? और आप यहाँ क्यों हैं? और ये कौन है? मॉम और डैड तो खुदा है। इन दोनों को मैंने बुलाया। और जिससे हम मिलने आए हैं वो लोग कहाँ हैं? आ जाएंगे, आ जाएंगे। बड़ी मॉम, आपको इतनी जल्दी क्यों है? अरे भाभी, कैसा महसूस हो रहा है हम सबको इकट्ठा देखना? आई थिंक हमें चलना चाहिए। जायान, हमने लोकेशन देख ली है, आप पार्टी को ऑफिस में ही बुला लीजिएगा, हम वहीं पर मीटिंग कर लेंगे। लेट्स गो। मैडम, आर यू ऑल राइट? आप कहें तो डॉक्टर को बुला दूं? डॉक्टर? वो किस लिए? इनके कहने का मतलब है कि इसके बाद जो आपकी हालत होने वाली है उसके बाद डॉक्टर की तो जरूरत लाजमी पड़ेगी। What rubbish! ये क्या बदतमीजी है? आप अपनी हद में रहिए प्लीज। हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। रोशनी और सिकंदर, आपसे तो हम घर जाकर बात करेंगे। पागल हो गए सिकंदर, हमें घर जाना है, रास्ता छोड़िए। आप हमारी मर्जी से ही घर जाएंगी, और वो भी जब हम जाएंगे तब। ये क्या बदतमीजी है सिकंदर? बड़ा प्यार करती थी ना अमान भाई, मरते दम तक उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम था, रीना। था तो मेरा सगा भाई, लेकिन बड़ा सुकून मिला मुझे उसे जान से मार कर। तुमने मारे हमारे शौहर को? हाँ, सिकंदर ने मारा है हमारे, मेरे कहने पर, मेरी मोहब्बत में अमान को मरना पड़ा। तुम लोगों ने मारा? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है, यही सच है रीना भाभी,
वो अमान हमेशा से अम्मी अब्बू का लाडला रहा। उसने जो चाहा हासिल किया, जिस चीज की तमन्ना की उसे पा लिया, और मैं हमेशा से नजरअंदाज होता रहा। हर मनपसंद चीज मिलेगी अमान को, और बाद में मुझे कारोबार संभालेगा तो अमान, सिकंदर नहीं, सब कुछ मिलेगा अमान को, और मैं खाली हाथ सब कुछ दे दिया उसे, और मुझे मुझे लगा दिया शायरी पर, इसीलिए मार डाला मैंने उसे। और फिर मेरे रास्ते में आ गई तुम अमान की बीवी बनकर। मुझे तो तुम्हें रास्ते से हटाना था ना, सिकंदर से शादी करने का यही वजह थी कि वो मेरी अधूरी मोहब्बत का बदला ले। और अब देखो, तुम हार गई और मैं जीत गई। तुमने हमसे हमारा शौहर छीना, हमारे अपमान से उसके बाप छीन लिया। खबरदार, जब अपने पागल बच्चे को मेरे बेटे से मिलाया, मेरे बेटे ने तो फखर से मेरा सर बुलंद कर दिया है। और एक और बम गिराऊं तुम्हारे सर पर, तुम्हारी सारी जायदाद पर भी हमारा कब्जा है, हमने सब कुछ छीन लिया है तुमसे। और मैडम, आपके बिजनेस के सारे लॉसेस हमने जानबूझकर कराए, वो भी सिकंदर सर के कहने पर। सबको अरेस्ट करवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम सब हमारे अमान के कातिल हो। परेशान क्यों हो? 2 घंटे से ज्यादा हो गया, मॉम का नंबर ऑफ जा रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बस इतनी सी बात है यार, मॉम एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए गई हैं, आ जाएंगी। उनकी ऑफिशियल मीटिंग 4-5 घंटे से कम की नहीं होती। रिलैक्स करो, बैठो। तो इसको देखो, आज तो नींद इसको आ ही नहीं रही। ये रिलैक्स, क्या हो गया, आ जाएंगी मॉम। सिकंदर, तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल चुका है, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा बिजनेस एम्पायर चाहिए। जायान, बेटा, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। ये सारा खेल डैड का है। अगर मेरे हाथ में होता ना, तो ये खेल बहुत पहले खत्म हो चुका होता। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, तुम सब आस्तीन के सांप हो। बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको, फांसी दिलवाऊंगी सबको।
रीना मैडम की कहानी तो खत्म। जांच। नीचे दो आदमी आ गए। डैड, उन्हें बोलेंगे किसी खैरी खाए में पीट। तुम लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। और तुम दोनों को अपना मुंह बंद करने का हिस्सा मिल जाएगा, वरना तुम जानते हो मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दे। आई प्रॉमिस कि मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। अब मॉम कभी आपसे तंग नहीं होगी। और हमें तो अपने नाराज अबान को मनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आप ही तो हमारी दौलत है। कभी अपनी मॉम को गलत समझिए। मैं मॉम को छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं पर भी। मुझसे वादा करके गई थी कि वापस आई। मॉम प्लीज प्लीज भाई राजे, आपका बार बहुत अकेला। मॉम आई प्रॉमिस मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। महाराज मुझे माफ के पास रहना। क्यों मिलना चाह रहे थे? जनाब मैं माजरत चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या है कि हमारी भी ड्यूटी है, हमें भी काम करना है। जाब्ते की कार्रवाई के लिए आया हूँ। आप हमारे बयान ले तो चुके हैं। बाजार तो मिसेज रीना की मौत कार एक्सीडेंट है, लेकिन ये मर्डर भी हो सकता है। मिसेज रीना कोई मामूली खातून तो नहीं थी ना? मैं आपको बता चुका हूं कि भाभी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और आप बार बार यूं आकर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए उनके बेटे की तरफ, वो कैसे निकल पाएगा इस सदमे से, कैसे संभालेगा अपने आप। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी मॉम बहुत एलिगेंट वूमन थी, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, हमारा काम तो मामूल की कार्रवाई करना है। पूछगछ और जहमत के लिए मैं माफी चाहता। लेकिन बाज दफा नजर आने वाला हादसा बहुत बड़े जुर्म को छुपाए होता है, उसकी खोज लगाना यही तो हमारा काम है। ये आप किस अंदाज में बात कर रहे हैं? मतलब क्या है आपका? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मिसेज रीना की गाड़ी हमेशा ड्राइवर चलाता है, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर नहीं था। वो दरअसल ड्राइवर की वाइफ की तबीयत खराब हो जाने की वजह से रीना भाभी ने उसे छुट्टी दे दी थी,
रीना भाभी को ज़ियान के साथ साइट विजिट पे जाना था। ज़ियान गाड़ी चला रहा। विजिट के बाद ज़ियान की एक छोटी सी मीटिंग थी क्लाइंट के साथ। उसने भाभी से कहा भी कि वो वेट करे, लेकिन शायद भाभी को कोई अर्जेंट काम था, इसलिए वो खुद गाड़ी ड्राइव करके निकल गई। हमें क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा।